खबरों के बाद अब बातचीत करते हैं टाइगर की। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और शेरों से, टाइगर से, बाघ जिसे कहा जाता है उससे मध्य प्रदेश का पुराना नाता है। मध्य प्रदेश की सियासत में भी इस समय टाइगर की बात चल रही है। हमारे साथ कार्टूनिस्ट हरिओम है। हरिओम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। खबरें आप देखते रहते हैं, टाइगर की खबरें आप देखते रहते हैं। राजनीति की टाइगर के बारे में बहुत चर्चा होती है। इस समय हर नेता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता है और वो एक ही बात कहता है कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन टाइगर क्या करेगा, क्या टाइगर हो जाना हरिओम कहीं लगता है कि हमारे भीतर जो पशु है उसकी निशानी है? देखिए, टाइगर तो एक बहुत अच्छा जानवर है। टाइगर अगर ना हो तो जंगल नहीं बच सकते। आप देखिए, टाइगर है और टाइगर को जिंदा रहना जरूरी है, तभी आप जंगल बचा पाएंगे। नहीं, यहाँ तो इंसान अपने आप को टाइगर कह रहे हैं, बात इतनी सी है। टाइगर अगर कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन टाइगर का जो सिद्धांत रहते हैं उसके, वो अगर फॉलो करें, उसकी एक अपनी टेरिटरी रहती है, वो किसी दूसरे टेरिटरी में जाता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइगर के गुण हैं, वो भी होने चाहिए, तब हम अपने। अभी पिछले दिनों आपने बहुत सारे कार्टून बनाए जी टाइगर्स को लेके, राजनीति के टाइगर्स को लेके। जी वही मैंने कहा कि टाइगर के गुण आप में आने चाहिए, टाइगर के गुण आने चाहिए। आज हरिओम के साथ जो चर्चा है, कार्टूनिस्ट हरिओम के साथ जो चर्चा है, वो उनकी किताब टाइगर स्पीक को लेकर है। टाइगर बाघ बोलता है, अपनी बात कहता है, और वो भी कार्टूनों के जरिए। आप देख रहे हैं कि फ्रेम में कई सारे कार्टून हरिओम के आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक निरीह टाइगर जी, मुझे जो शब्द उसके लिए ठीक लगता है कि एक बेचारा टाइगर, एक बेचारा बाघ, एक निरीह बाघ, वो अपनी बातें, वो दर दर जा रहा है, वो कई जगह जाके ठोकरे खा चुका है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, ये महसूस होता है। जी देखिए, कार्टूनिस्ट का जो काम है, कार्टूनिस्ट ऐसे लोगों की बात करता है जो कि अपनी बात नहीं कह सकते। तो मैंने सोचा कि बार बार मैं खबरें पढ़ता था कि टाइगर जंगल से बाहर आ रहा है, तो वहाँ से मेरे मन में एक विचार कौन था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या कारण है, टाइगर कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। तो वहाँ से मुझे लगा कि टाइगर परेशान है, तो टाइगर इतना परेशान है कि वो टूलेट का बोर्ड देखता है। जी और टाइगर अपने तो, बाल बच्चों के साथ आ जाता है कि मुझे मकान किराए पे दे दीजिए। हाँ, तो पहला आइडिया मुझे वही क्रिएट हुआ कि टाइगर फैमिली घूम रही है और टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है और टाइगर लुकिंग फॉर ए हाउस, बोले हमारे घर में तो दूसरे लोग आ रहे हैं, दूसरे लोग के इंसान घुस गए हैं, इंसान घुस गए हैं, कोई रिजॉर्ट बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है, तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपके घर में कोई अनजान आदमी आके एक कमरे में आके अपना सामान रख दे, तो आपको कैसा फील होगा? वही फील टाइगर को हो रहा है इस समय। बेचारा जंगल में नदियाँ सूख रही हैं तो पानी के लिए बाहर आता है कभी, और हम कहते हैं कि टाइगर हमारे घर में आ रहा है, जबकि ये जहाँ हम रह रहे हैं एक ज़माने में टाइगर की क्षेत्र था, टाइगर का क्षेत्र था, टाइगर का जंगल था, लेकिन हमने जंगल काटे, जंगल का क्षेत्र कम किया, टाइगर के घर में हम घुस गए, तो वो बेचारा परेशान हो रहा है। ये बड़ी बात है कि हम टाइगर के घर में घुस गए हैं, टाइगर जो हमसे कुछ नहीं लेता था, टाइगर जो हमारे लिए जंगलों को सुरक्षित रखता था, एक बेहतरीन इकोसिस्टम, अगर कहीं शेर हैं, कहीं बाघ हैं, तो ये इस बात का घोतक है, इस बात की निशानी है कि वहाँ का इकोसिस्टम ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरीके से अंधाधुंध कंक्रीट के जंगल खड़े होना शुरू किए और हमने शेरों के जो प्राकृतिक रहवास थे, हम वहाँ तक पहुँच गए, हम शेर की मांद तक, शेर की गुफाओं तक पहुँच गए, हमने शेर भी ख़त्म किए, हमने जंगल भी ख़त्म किए, हम तो जंगली जानवरों से भी गैबीते हो गए, कई बार ऐसा लगता है। बिल्कुल मेरा सोचना ही है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का एक दर्जा मिला है, 526 टाइगर करीबन हैं मध्य प्रदेश में, पूरे देश में 3000 करीबन टाइगर हैं, तो टाइगर का बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जंगल बचाने हैं तो टाइगर को बचाना पड़ेगा। मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि जंगल का क्षेत्र कम होता जा रहा है, अगर जंगल का क्षेत्र कम होगा तो टाइगर परेशान रहेगा, तो मुझे तो लगता है कि जंगल का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। मुझे लगता है हरिओम के जो लोग भोपाल जैसी जगह के आसपास रहते हैं, भोपाल हो गया या सिवनी हो गया या बांधवगढ़ हो गया या छतरपुर पन्ना, इधर के इलाके हो गए, जहाँ शेर दिखते हैं, जहाँ शेर माने बाघ, जहाँ बाघ दिखते हैं, कभी सड़क पर आ जाते हैं, कभी आपके घरों के आसपास आ जाते हैं, तो इससे अब समझना पड़ेगा, और ख़ास करके सामाजिक संगठनों को
आम लोगों को, उसके अलावा सरकार को सबसे ज़्यादा चेतना पड़ेगा। बिल्कुल, कई बार आपने देखा होगा इस तरह की खबरें आई कि टाइगर बाहर आ गया है, जंगलों में नदियाँ सूख रही हैं तो बेचारा पानी पीने के लिए आता है। मैंने एक कार्टून इसमें बनाया है, वो आता है, उसका एक खबर आई थी कि वो सर फंस गया उसका मटके में, तो लोग मार रहे हैं उसको, बेचारा वो पानी पीने के लिए जंगल से निकला है। तो हमें टाइगर के प्रति सिंपैथी रखना चाहिए, टाइगर को बचाना है हमें। बेचारा जानवर कभी किसी को परेशान नहीं करता अनावश्यक रूप से, हम उसे परेशान कर रहे हैं। तो वो दर्द वो पीड़ा मैंने महसूस की और मैंने एज ए टाइगर बन के सोचा कि अगर मैं टाइगर होता तो मैं अपनी बात कैसे कह सकता था, कहाँ कहाँ जाके कह सकता। इसके लिए टाइगर स्पीक की रचना हुई, टाइगर स्पीक की रचना हुई, तो अपनी बात किस किस प्लेटफॉर्म पर रख सकता। मैं हरिओम के बारे में आपको बताऊं, मेरे मित्र हैं हरिओम, देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। सबसे पहले आपने इसको लेकर दिल्ली में एक एग्जीबिशन लगाई थी जी जी, और वहाँ शायद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इन लोगों ने उसका एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। 2016 में दिल्ली में हुई थी एग्जीबिशन पहली बार, और उसके बाद फिर भोपाल में हुई, भारत भवन में, भारत भवन के बाद अलियंस फ्रांसिस में भी इसकी एग्जीबिशन हुई है। मेरा अभी प्लान है कि पूरे देश में ये एग्जीबिशन होना चाहिए, क्योंकि टाइगर को लेके पहली बार किसी कार्टूनिस्ट ने काम किया है, इस तरह का काम पहली बार हुआ है। सामान्य तौर पे आप सब भी जानते हैं कि जब भी अपनी कलम को कार्टूनिस्ट पकड़ता है और आड़ी टेढ़ी रेखाएं ड्रॉ करना शुरू करता है, उनको उकेरता है कागज़ पे, तो उसे कई बार तो प्लॉट होता है, कई बार खुद भी नहीं होता। जब आप शेर के बारे में कार्टून बनाते हैं, टाइगर के बारे में बनाते हैं, तो कोई कल्पना नहीं होती, कोई थॉट नहीं होता आपके सामने। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने ये सोचना शुरू किया कि टाइगर मनुष्य होता तो फिर कैसे वो सोचता अपनी बात। जैसे इसमें एक कार्टून है कि वो टाइगर का बच्चा जू के बाहर टिकट खरीद रहा है, वो कह रहा है मेरे माता पिता अंदर हैं, मुझे मिलने जाना है। तो इस तरह की संवेदनाओं को भी मैंने, उसकी फीलिंग को भी मैंने कार्टून के माध्यम से जाहिर किया है। टाइगर एक ट्रेन में टिकट खरीद रहा है, टीसी से बोलता है मुझे एक टिकट दीजिए, मेरा कजिन दूसरे स्टेट में चला गया है। जैसे कई बार हम लोग शिफ्ट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट टाइगर जाते हैं, तो इस तरह की कल्पनाएं मैंने की। माइग्रेशन एक बड़ी समस्या है। हाँ, तो इस तरह से मैंने आइडियाज़ क्रिएट किए कि टाइगर को मतलब फीलिंग है। टाइगर कई बार टाइगर कंजर्वेशन की बैठक चल रही है उसमें जाके पहुँच जाता है, वो कहता है कि असली बात मैं ही बता सकता हूँ भाई, अपनी पीड़ा वो खुद ही बता सकता है। तो ये कार्टून में बहुत बहुत अच्छा सोच है। और हमारे यहाँ कई बार जिन लोगों के बारे में, जिन चीज़ों के मसले पे बैठक होती है और वो वहाँ से नदारद होते हैं, उसके बारे में चर्चा होती है एसी कमरों में, होटलों में, लेकिन जो विषय वस्तु है उसकी जानकारी किसी को नहीं होती। ऐसा जिसके बारे में बात हो रही है तमाम वक्त ऐसा देखने को मिलता है कि वो चीज़ होती ही नहीं है। और मुझे लगता है कि टाइगर का भी ये सौभाग्य दुर्भाग्य है कि जब टाइगर के बारे में बातें होती हैं तो लोग अपने अध्ययन के हिसाब से तय कर लेते हैं कि शेर के लिए, बाघ के लिए ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसकी तो कोई सुनने वाला नहीं है। एक मैंने कार्टून ये भी बनाया है, उसमें बड़ा गुस्से में है टाइगर के, बोले मुझे बचाओ, मुझे मेरे लिए इंतजाम करो वरना मैं भी फिर इलेक्शन लड़ूंगा। तो एक वो धमकी दे रहा है। देखिए, लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं और जहाँ सिर गिने जाते हैं वहाँ आप कुछ चुनाव लड़ना ही पड़ता है, ज़रूरी है। वो तो जंगल का राजा है, वो तो पूरे जंगल द्वारा निर्वाचित होता है, और इसलिए उसको शेर खान, टाइगर अलग अलग नामों से, क्योंकि जो भी अपनी टेरिटरी बनाता है वो तो टाइगर है। बिल्कुल। हरी, एक चीज़ और कि राजनेताओं के कार्टून आप रोज उकेरते हैं, सामाजिक विसंगतियां आप रोज लेके आते हैं, ये आइडिया कैसे आया कि शेर पे ही कार्टून बना सकते हैं या शेर कार्टून की विषय वस्तु हो सकता है? हाँ, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से कुछ काम मैं करूँगा, लेकिन वही मैंने बताया कि बार बार खबरें मैं पढ़ता था अखबारों में, इस तरह से टाइगर बाहर निकल रहा है और परेशान है, तो वहाँ से मुझे आइडिया क्रिएट हुआ। दूसरा मैं बता दूँ आपको, कहना चाहूँगा कि बचपन से मुझे जंगल से बड़ा लगाव था। मेरा गांव है, मेरे गांव के पास एक जंगल है, तो वहाँ सावन का मेला लगता है, सावन का सिद्धेश्वर मंदिर है, तो वहाँ जाते हैं सावन के। तो मैं भी बहुत छोटा था उसमें, 7वीं 8वीं में रहा हूँगा, तो मुझे लगता था कि जंगल सिद्धेश्वर मंदिर, ये ग्वालियर ज़िले में जी, ग्वालियर के पास है, बिलौआ गाँव है मेरा, तो वहाँ मैं जाता था। तो मेरी कल्पना ये थी कि इमेजिनेशन ये था कि जंगल जाऊंगा तो वहाँ शेर भी मिलेगा मुझे, हाथी भी मिलेगा और टाइगर के दर्शन हो जाएंगे, टाइगर के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन बमुश्किल देखा तो एक खरगोश जरूर दिख गया था, मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो पकड़ में आया नहीं। तो वहाँ से जंगल से मेरा लगाव बचपन से था।
पहली बार मैंने ग्वालियर के ज़ू में टाइगर को देखा। फिर उसके बाद भोपाल जब आए तो भोपाल में वन विहार में टाइगर देखे। आपने क्या, मुझे लगता है कि अमूमन इस देश में टाइगर सबसे ज़्यादा हैं, अगर हम देशों की तुलना करें तो सर्वाधिक टाइगर हमारे देश में सबसे ज़्यादा माना जाता है। 3,000 के आसपास आपने बताया, 500 के ऊपर मध्य प्रदेश में टाइगर हैं, टाइगर स्टेट है। लेकिन उसके बावजूद कभी टाइगर एकदम से जंगल में देखने को नहीं मिलता, और जब टाइगर मिलता है देखने के लिए तो उस समय जो है आदमी भाव शून्य हो जाता है, फिर सिर्फ टाइगर को देखता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है वहाँ मैं गया, तो हम लोग पूरा जंगल अंदर तक गए घूमे, लेकिन टाइगर के कहीं दर्शन हुए नहीं, तो बड़ी निराशा हाथ लगी। ये बड़ा सत्य है कि हम जब देखने के लिए जाते हैं जंगलात में तो वो सारी चीज़ें जिसके दावे सरकारें करती हैं वो नहीं दिखते, इसी तरह टाइगर भी नहीं दिखते। और एक बीच में ऐसा पीरियड आया था पूरे देश में कि संसार चंद जैसे जो बाघों की तस्करी करते थे, बाघों के खून खाल की हड्डी की, उन लोगों ने सारे के सारे बाघ समाप्त कर दिए थे। कार्टूनिस हरिओम के साथ बाघों की चर्चा को हम जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कार्टूनिस्ट हरिओम के साथ हमारी चर्चा जारी है, हम टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी किताब आई है टाइगर स्पीक, जिसमें टाइगर बोल रहा है, टाइगर अपनी दास्तान कह रहा है, टाइगर अपने बारे में बता रहा है। उसका निवेदन है, मुझे अपने साथ रहने दो, मुझे बचा लो, उसका मर्म इतना सा है। जी जी अरे, ये तो कार्टून टाइगर की बात हुई, एग्जीबिशन का टाइगर की बात हमने कह दी, एग्जीबिशन लगा दी, वहाँ तक ठीक था। फिर ये क्या लगा कि किताब बनाई जाए, जितने कार्टून बने हैं उनकी किताब बनाई जाए, किताब के जरिए लोगों को मैसेज कन्वे किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि एग्जीबिशन में तो बहुत कम लोग आ पाते हैं। मेरा उद्देश्य ये था कि किताब बनाने का, कि ये किताब बच्चों से लेकर बड़ों तक की सबके लिए एक प्रेरणादायी हो सकती है। और एक्चुअल कार्टून जो रहता है वो एक ऐसे आम आदमी की बात करता है जो अपनी बात नहीं कह पाता, तो कार्टून के माध्यम से अगर हम कोई बात कही जाए तो उसका असर काफ़ी होता है। तो ये किताब बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायी रहेगी, टाइगर के बारे में बच्चे जानेंगे और उसके प्रति संवेदना जगाएगी ये किताब, और बड़ों के लिए भी अच्छी किताब है। तो मैं चाहता था कि ये एग्जीबिशन हो गई, कार्टून्स बन गए, लेकिन किताब फॉर्म में आने से किताब हमेशा उसका रीप्रिंट भी होता है, तो एक इतिहास बनती है किताब, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्टूनों को माध्यम मेरा किताबी लगा, मुझे किताब लगा। इस सीरीज़ के कुछ कार्टून अखबारों में भी छपे अलग अलग वक्त पे, मैंने देखे कुछ कार्टून इसमें से। नहीं, वो दरअसल मेरी जब एग्जीबिशन हुई थी उसके बाद कुछ कार्टून छपे उससे, ये स्पेशली मैंने किताब के लिए ये कार्टून बनाए थे, और ये 54 कार्टून कभी लगभग बने हुए हैं। शुरुआत पहला आइडिया जैसा कि मैंने बताया कि टाइगर घर ढूंढ रहा है अपना, वहाँ से हुई। फिर मेरा इमेजिनेशन बढ़ता गया, फिर और सोचता गया। अच्छा, जब एग्जीबिशन में लोग आते हैं जी, क्योंकि एग्जीबिशन वगैरह में बहुत जिनका मन का विषय है वही लोग आते हैं, सामान्यतः लोग नहीं जाते जी, जी। तो जो भी लोग आते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी कि कार्टून का विषय हो सकता है टाइगर? जी जी हाँ, उन्होंने कई प्रतिक्रिया ऐसी आई कि एक विषय पर इतने सारे कार्टून बनाना ये बड़ा एक टफ जॉब है, और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई लोगों की। उनका ये रहा कि जब जैसे बड़े संवेदनशील माने जाते हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने आपकी एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, या नरेंद्र सिंह तोमर, इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? नहीं, इनका जावड़ेकर जी का कहना था कि आखिर में एक कार्टून मैंने बनाया कि म्यूजियम में स्केलेटन रखा हुआ है टाइगर का, अगर हम नहीं चेते सही समय पर, नहीं जागे, तो ये स्थिति आ सकती है, जैसा कि डायनासोर के साथ हुआ, डायनासोर को अब हम म्यूजियम में ही देखते हैं, तो ये स्थिति वाला कार्टून मैं बनाया है। कार्टूनिस्ट का काम रहता है कि वो आगाह करता है चीज़ों के बारे में, तो वही मैंने करने का प्रयास किया है। तो उनने कहा कि ये स्थिति, ये कार्टून मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मतलब स्थिति नहीं आएगी ऐसा, हरिओम जी की चिंता है, ठीक है, बट ये स्थिति ऐसी नहीं होगी, प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर राजनेता संवेदनशील हैं, और कमोबेश इस समय देश की स्थिति ऐसी है कि तमाम सारे जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो बहुत संजीदा भी हैं, वो राजनीति अपनी जगह करते हैं लेकिन ऐसे मसलों पर भी काम करते हैं, पर्यावरण मंत्रालय है, वन मंत्रालय है, बहुत कुछ कर रहे हैं, पैसा भी काफ़ी खर्च होता है। और मध्य प्रदेश में भी मुझे याद है
कि 2000 का दशक जब शुरू हो रहा था तो मध्य प्रदेश में टाइगर खत्म हो गए थे बिल्कुल, उंगलियों पे गिने जाएं इतने बचे थे, हर जगह से गलत खबरें आती थी कितने टाइगर हैं। पन्ना नेशनल पार्क खत्म हो गया था, अच्छा काम हुआ था वहाँ, वहाँ टाइगर की संख्या सबसे तेजी से बढ़ी, दो जगह बढ़ी, एक तो राजस्थान में सिरिस्का और सिरिस्का के बाद मध्य प्रदेश पन्ना टाइगर रिजर्व, ये दो जगह जो बिल्कुल खाली हो गई थी, सराहना भी हुई पूरे देश में। और जो वन अधिकारी हैं हमारे यहाँ के, वन विभाग का अमला है, उन्होंने तस्करों को पकड़ाया, शिकारियों को लगातार पकड़ा और उसके बाद टाइगर बचाने की मुहिम। और अब तो आप देखें, जैसे हम भोपाल में बैठ के इसमें बात करें, भोपाल के आसपास अक्सर खबरें आती हैं कि आज फलां जगह टाइगर या टाइग्रेस दिखी अपने दो बच्चों के साथ। तो जो आपने आगाह करने की कोशिश की, आपने जो इशारा किया है, स्थितियाँ वही हैं कि अब उनका घर और हमारा घर मिल चुका है, अब हम पड़ोसी हैं, अच्छे पड़ोसी की तरह हमको रहना चाहिए। देखिए, कार्टूनिस्ट का काम है कि समाज में जो विकृतियां हैं, समाज में जो गलत चीज़ें हो रही हैं, वो बताता है कि कार्टूनिस्ट की, भाई ये गलत हो रहा है। बाकी सरकार का काम है, नेताओं का काम है कि उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे जंगलों का क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए। अभी तो नेता क्या है, खुद को टाइगर बनाने से फुर्सत पालें तो असली टाइगर की सोचें और बाकी चीज़ों पर काम करें। नहीं, वो भी अच्छी बात है, अगर आप सोचते हैं कि हम टाइगर हैं तो टाइगर जैसे काम भी करिए और टाइगर को बचाइए, टाइगर के बारे में सोचिए, जंगलों को बचाइए, जंगल बचाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरा परिवर्तन हो रहा है, हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, जंगलों को बचाया जाए। जंगलों के प्रति मूलतः कार्टूनिस्ट हैं, खुद को मानते हैं, सोशल वर्कर मानते हैं, क्या नहीं, मैं तो कार्टूनिस्ट ही हूँ और मुझे 31 वर्षों से पॉलिटिकल कार्टूनिंग कर रहा हूं। 31 साल पहले ऐसे क्या टाइगर दिख गया था, क्या हुआ था कि अब कार्टून बनाना है मुझे? नहीं, दरअसल क्या हुआ, पॉलिटिकल कार्टूनिंग करते करते मुझे लगा थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा था मैं, तो मुझे लगा कुछ दूसरे विषय पे काम करने चाहिए, सोशल इश्यूज पे काम करना चाहिए। तो वहीं से एक लगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे कार्टून टाइगर पर बच जाएंगे। हरिओम जी, मैंने अखबार में भी काम किया, आपके साथ भी काम किया, टीवी में भी काम किया, मुझे लगता है कि जब आदमी कार्टून बनाता है तो उसमें तीन चार चीज़ों का समावेश होता है। एक तो वो कुछ लाइनें ड्रॉ करना जानता हो सबसे पहले, दूसरा उसके पास सटायर हो, वो व्यंग्य करना जानता हो, तीसरा उसके भीतर एक एक्टिविस्ट हो, आंदोलनकारी व्यक्ति हो। ये तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं तो अच्छा कार्टून बन जाता है, ये मेरी धारणा है, हो सकता है गलत भी हो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, आपने ठीक कहा। दरअसल होता क्या है कि कार्टूनिस्ट बड़ा एक चिंतित व्यक्तित्व रहता है, मानसिक रूप से बीमार कह सकते हैं उसको, कि समाज में जो गलतियाँ, जो चीज़ें गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ देख रहा है, तो उसके अंदर वो एक एग्रेशन होता है, एक परेशानी होती है, तो वो लगता है उसके भीतर एक आंदोलन शुरू हो जाता है, आंदोलन शुरू हो जाता है, तो उसको कार्टून के माध्यम से वो एक्सप्रेस करता है, तो तब जाके एक अच्छा कार्टून बनता है। उसमें व्यंग्य की दृष्टि भी होना चाहिए, की दृष्टि तो आवश्यक है एक कार्टून। देखिए, कई लोग मेरे से बोलते हैं, मेरे बच्चों को आप कार्टून बनाना सिखाइए, तो मुझे लगता है कि कार्टूनिस्ट बनाया नहीं जा सकता, कार्टूनिस्ट पैदा होते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर आप कैसे सिखाओगे भाई, किसी को हंसना आप कैसे सिखाओगे, वो तो एक आपके अंदर का इंस्टिंक्ट है जो बचपन से आता है, आपको आपकी जीन्स में रहता है। मुझे अपने फादर से सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी मैंने सीखा, और उनमें एक बड़ी बेबाकी बात, जैसे आपका कार्यक्रम का नाम है, तो बड़ा बेबाक बात करते थे वो, किसी से भी सीधी सपाट बात करते, तो कई लोग बुरा भी मान जाते थे, और कमेंट करने की आदत मुझे बचपन से थी लोगों पे, चीज़ों पे। तो मुझे लगता है कार्टूनिस्ट जो रहता है वो पैदा होता है, बनाया नहीं जा सकता। ह्यूमर आप नहीं सिखा सकते, सटायर करना आप नहीं सिखा सकते, आप कई स्केचिंग एक सीख सकते हो, आप कई सारी वर्कशॉप भी करते हैं, मैं आपकी एक टाइगर स्पीक की एग्जीबिशन को भी मैं देखने गया, वहाँ भी आप बच्चों को बता रहे थे किस तरह ड्रॉ करें। जी देखिए, मेरी शुरुआत हुई थी, एक कार्टून कंपटीशन हुआ था, उसमें 3rd prize मुझे मिला था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को सिखाया जाए या बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाए, मैं कार्टून कंपटीशन करवाता हूँ, तो उससे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर प्रेरणा मिलती है, उनको बच्चों को काम करने की, एक कुछ करने की या पेंटिंग बनाने की या कार्टून बनाने की, तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। हरिओम, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि बाघों के प्रति जो आपकी संवेदना है और बाघों को लेकर आप जिस तरह सोचते हैं, तो आप भी एक टाइगर हैं, क्योंकि आप परवाह कर रहे हैं उन्हें, अपने परिवार का समझ रहे हैं, आप अपने सफ़र को जारी रखिएगा। और वहीं मेरा राजनेताओं से भी निवेदन है कि अगर आप टाइगर होने का दम भरते हैं तो सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच में ताली मत बजवाइए, हमारे जंगलों को बचाइए,
हमारे जंगलों में रहने वाले जो वन्य प्राणी हैं उनको बचाइए। और हम टाइगर हैं, हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और वाकई इसकी गर्जना हर तरफ होती रहे, इसलिए टाइगर को भी बचाइए। आप देखते रहिए दखल, दखल पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। देख रहे हैं दखल न्यूज़।